हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सीधी बात लेकर आया हूँ जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार जी ने कहा है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज दी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं, क्या है खबर फ्रेंड्स। खबर यह है कि ओबीसी आरक्षण से पहले भर्ती करेंगे तो कमलनाथ कहेंगे हमने 27% आरक्षण दिया था लेकिन आरक्षण दिया था भाजपा ने नहीं दिया। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दिक्कत भाजपा के साथ ये है कि इन्होंने मतलब ये बहानाबाजी कर रहे हैं कि 27% कमलनाथ ने दिया था या इनने इतना दिया। तो फ्रेंड, इसके मामले में क्या बोला इनने, शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो की भर्ती कब तक होगी, फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, ये इंदर सिंह परमार जी ने कहा है। अब फ्रेंड, और क्या क्या कहा इसके बारे में, तो फ्रेंड्स और इसके बारे में ये कहा कि फ्रेंड फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% मामला पेंडिंग है, तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के संबंध में कोई डायरेक्शन दिया है, तो फ्रेंड इसके बारे में जवाब क्या है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए तो डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन पीएससी के संबंध में उन्होंने कहा है कि ऐसे में हम भर्ती कैसे करें। मान लीजिए भर्ती कर लें या फिर आदेश आया तो क्या करेंगे, भर्ती ना होने से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवाओं में भारी नाराजगी है, क्या बाद में भर्ती होगी तो हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा, पहले हम भर्ती प्रक्रिया की दिशा आगे नहीं बढ़ा सकते, यदि भर्ती करेंगे तो कमलनाथ जी कहेंगे हमने तो 27% आरक्षण दिया था इन्होंने नहीं दिया, राजनीतिक इशू बन रहा है, इसलिए अभी भर्ती नहीं करेंगे, उपचुनाव का तो नहीं कह सकते लेकिन अभी वक्त लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्रेंड डायरेक्ट इंदर सिंह परमार जी ने कहा है, जो मैंने आप तक जानकारी पहुंचाई। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है, भर्ती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी के साथ, जब तक लिए